नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंच सज चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, राजनीतिक दल नेता अपने अपने स्तर पे चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बरबीघा में और बरबीघा से LJP के टिकट पर डॉक्टर मधुकर ताल ठोक रहे हैं और ये हैं डॉक्टर मधुकर और आज ये नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और इनका क्या कुछ एजेंडा है आने वाले चुनाव में, ये किन मुद्दों पे जनता से वोट मांगने वाले हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए इनके नॉमिनेशन में किस तरह से यहाँ जन सैलाब उमड़ा है। LJP डॉक्टर मधुकर के समर्थक ने इनकलाब का नारा लगा दिया है। आइए जानते हैं डॉक्टर मधुकर से ही कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये किन मुद्दों पर मैदान में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं आप? आज तो नॉमिनेशन है, मुद्दा बहुत सारा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोचा है, बिहार के नौजवानों को काम मिले, बरबीघा की तमाम जनता का स्नेह प्यार अगर मुझे मिलता है और वो हमें अपना बहुमत देते हैं तो मैं निश्चित तौर पे ये बता सकता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में यहाँ के लोगों के मान सम्मान और यहाँ का जो स्वाभिमान है, यहाँ के लोगों का सोच बड़ा ऊंचा रहा है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की धरती रही है, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि की कर्मभूमि रही है। ये धरती बड़ा ही ऊर्जावान और इस धरती के नौजवानों का एक नया सोच रहा है। आज मैं सारे लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप हमें बहुमूल्य मत दें, आप हमें अपना प्रतिनिधि, अपना सेवक चुने, मैं आपके भरोसे पे खड़ा उतरूँगा। रही विकास की बात, बहुत सारी योजनाएं यहाँ पड़ी हुई है लेकिन हर खेत को पानी मिले इसके सोच के साथ मैं चुनाव मैदान में हूँ कि यहाँ जो नहर का सपना है श्री बाबू का, उसको पुनः जीवित किया जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। छोटा मोटा मुद्दा तो हमारे माननीय सांसद आदरणीय चंदन बाबू तो हर एक छोटे छोटे मुद्दों को उन्होंने अपने हाथ में लिया है, मिलजुल के विकास करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो है वो बिहार के CM नीतीश कुमार के खिलाफ ही ताल ठोक दिए हैं और वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर के जो अभियान चलाए हैं, क्या लगता है कि उनके इस सोच से बिहार की तस्वीर बदलेगी? निश्चित तौर पे नौजवान हैं, उन्होंने जो सोचा है वो बिहार में तस्वीर बदलेगी। आदरणीय चिराग पासवान अपने उस पिता के सपने को पूरा करेंगे, ये कामना है। लेकिन पूरी तरह से मैं बता दूं, आदरणीय राम विलास पासवान जी के स्वप्न को मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा बिहारी, युवा और चिरंजीवी चिराग पासवान जी जो सपना देखा है उसको इस साल 10 नवंबर के बाद रिजल्ट देखिएगा, लगेगा कि उनका स्वप्न साकार हो रहा है। बिहार में बदलाव नज़र आ रहा है, अभी से नज़र आ रहा है। गिनती में पता चल जाएगा कि उन्होंने जो स्वप्न देखा था वो साकार हो चुका है। आपने नहर की बात की डॉक्टर साहब, नहर यहाँ के लोगों का सपना है, जैसा कि आपने कहा कि श्री बाबू ने सपना देखा था, आज तक पूरा नहीं हुआ। ये बताएं डॉक्टर साहब कि जनता आप पे क्यों विश्वास करे कि आप अगर जीतते हैं तो नहर बनवाएंगे? अच्छा प्रश्न, अच्छा है, लेकिन मैं पूरी तरह से इस बात को बता दूं कि लोग इसलिए विश्वास करेंगे कि विगत दिनों हमारे माननीय सांसद नवादा के द्वारा जो कार्य यहाँ हमारे क्षेत्र में किया गया, उन्होंने वो दबे हुए सपन को खोला है, उजागर किया है, लोगों में अब उम्मीद जगी है कि नौजवान अगर मेरा प्रतिनिधित्व करेगा
तो वो सपना जरूर पूरा होगा जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने देखा था, किया था, उनके जमाने में वो किए थे इस काम को, उसको पूरा हम लोग करेंगे। और अभी जो और कैंडिडेट वगैरह जो भी हमारे क्षेत्र में हैं, उन लोगों को लोगों ने देख लिया है कि उनका क्रियाकलाप क्या रहा क्षेत्र में, ये पता चल जाएगा। अभी वो सपन पूरा होगा निश्चित तौर पर। डॉक्टर साहब कि सपने नेता बहुत दिखाते हैं, तमाम तरह के वादे करते हैं, आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है? आप विधायक अगर बनते हैं तो वर विघा के लिए क्या सोच रखते हैं, क्या कुछ करेंगे आप, उसको एकदम एक खींचने की कोशिश कीजिए कि हम ये करेंगे। सर सबसे बड़ी बात है कि आज नॉमिनेशन है, बाकी नेताओं ने क्या किया ये नहीं जानता हूँ। हम कार्यकर्ता, हम इन लोगों के बीच के लोग हैं, सभी ने मुझे देखा है। आप पूछिएगा, मेरा बचपन से अपनी कर्मठता ही मुझे यहाँ तक लाया है। हम अगर यहाँ के चुनाव में सफलता हासिल करते हैं तो इन सारे लोगों को सपनों को साकार करेंगे और विकास तो नज़र आएगा, नज़र आ भी रहा है। एमपी अपना होगा, विधायक अपना होगा तो विकास तो अपना होगा ही होगा। सर, जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामकाज को कैसे देखते हैं आप? किन्हीं के बारे में कुछ भी कहना, बस जनता के ऊपर जनता मालिक है। ये लोग रिजल्ट में बताएंगे कि उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। डॉक्टर मधुकर जे एलजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से, और इन्होंने कि जैसा कहा कि ये अगर जीतते हैं तो इन लोगों के सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे, और ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, क्योंकि बचपन से ये मेरा कर्म भूमि रहा है, तो मेरे व्यक्तित्व और मेरे सोच की ये जनता जो है अच्छी परख रखती है। लिहाजा आने वाले विधानसभा चुनाव के में हम परचम जरूर फहराएंगे। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, बरबीघा।